हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कि एक कलर का पैटर्न लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में पहली सिलाई हम ऐसे 3 फंदे हम ऐसे उल्टे लेंगे, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे हम ऐसे सीधे लेंगे, फिर आगे धागा करके 3 फंदे हम उल्टे लेंगे, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे लेंगे, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे उल्टे लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं फ्रेंड्स। उल्टी साइड में फ्रेंड्स, जो फंदे हमने इधर सीधे बनाए थे इधर हमारे में उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे बनाए थे इधर हमारे सीधे बनेंगे। देखिए, जैसे हमने इधर 3 फंदे ये उल्टे बनाए थे, अब इधर से हम ऐसे ये सीधे बनाएंगे, फिर हम आगे धागा करके 3 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम दोनों साइड से बनाते हुए 3 सिलाई हम इधर से सीधी साइड से निकालेंगे, 3 सिलाई हम उल्टी साइड से निकालेंगे। ऐसे निकालते हुए हम 6 सिलाई निकाल लेंगे। एक निकल चुकी है, ये हमारी दूसरी है, और 4 सिलाई और हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद फ्रेंड्स, हम सबसे पहले 3 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके हम ऐसे एक फंदा, जो हमारे 3 फंदे सीधे हैं इसमें से एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, और जो हमारा ये बीच वाला फंदा है इसको फ्रेंड्स हम ऐसे नीचे छोड़कर 4 बार हम इसको ऐसे उधेड़ देंगे, 2, 3 और एक ये 4, 4 बार उधेड़ कर फिर हम इसमें सिलाई डालकर फंदे में इसको इनके पीछे से ऐसे ले जाकर हम पीछे से एक इसके अंदर से ऐसे एक फंदा लेकर आएंगे, और इसको हम जिस तरह से हमने ये बुने हैं ऐसे ही हम इनको टाइट, ना ज़्यादा टाइट करेंगे ना लूज करेंगे, ऐसे ही रखते हुए इससे आगे वाला फंदा हम ये सीधा बना लेंगे, फिर आगे धागा करके हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके इन 3 सीधे फंदों में से पहला फंदा हम बुन लेंगे सीधा, और बीच वाले फंदे को हम 4 बार ऐसे उधेड़ लेंगे, 3 और एक ये 4, फिर इस फंदे के अंदर सिलाई डालकर इसको ऐसे पीछे से ले जाते हुए इसके अंदर से हम एक फंदा ऐसे लेकर आएंगे, और फिर आगे वाला फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर हम 3 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। देखिए, हम दोबारा फिर ऐसे ही एक फंदा हम ये सीधा बना लेंगे, फिर इसको हम 4 बार ऐसे उधेड़ते हुए फिर इस फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई डालकर और इसे पीछे से ले जाते हुए ऐसे हम फंदा आगे लेकर आएंगे, और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, दोबारा हम ऐसे करेंगे बीच वाले फंदे को 4 बार उधेड़ते हुए, और इस फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई डालकर इसे हम ऐसे बनाएंगे, और एक फंदा सीधा बना के हम आगे वाले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई फ्रेंड्स हम पूरी वैसे ही निकालेंगे, सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे। तीन फंदे सीधे और 3 फंदे ये उल्टे। उल्टी सिलाई निकाल कर हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से फ्रेंड फिर हम ऐसे ही करेंगे, 6 सिलाइयाँ हम निकालेंगे, 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे करते हुए हम 6 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। देखिए, 3 उल्टे फिर 3 सीधे फिर 3 उल्टे, ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम 6 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद हम दोबारा जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही करेंगे, 3 फंदे हम ये उल्टे बना लेंगे,
फिर धागा पीछे करके इन तीन फंदों में से पहला फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे और बीच वाले फंदे को फ्रेंड्स ऐसे नीचे डालकर हम चार बार ऐसे इसको खोल लेंगे। देखिए फिर इस फंदे में से ऐसे सिलाई डालकर इसे हम पीछे से ऐसे लेते हुए इसके अंदर से हम ऐसे फंदा निकाल कर हम आगे वाला जो हमारा एक सीधा फंदा है इसे हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। फिर आगे धागा करके हम तीन फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके पहले वाला सीधा फंदा हम सीधा ही बना लेंगे और बीच वाले फंदे को हम ऐसे नीचे गिराकर चार बार इसको हम ऐसे निकाल लेंगे और फिर फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई को डालकर और जो हमने ये निकाले हुए फंदे इनके नीचे से ऐसे ले जाकर इसके पीछे से हम ऐसे फंदा निकाल कर ले आएंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरी सिलाई निकाल ली है और बनने के बाद देखिए हमारा ये डिबियाँ सी दिखाई दे रही है और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, आप इसे डालिए। थैंक यू फ्रेंड्स।